हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो देर आर 14 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विच कैन बी डिस्कस वन बाय वन एज फॉलोज। सो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इन द फर्स्ट ब्रांच इज सामान्य मनोविज्ञान, दैट इज जनरल साइकोलॉजी। सेकेंड ब्रांच नेम इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं असामान्य मनोविज्ञान। थर्ड ब्रांच इज कंपेरेटिव साइकोलॉजी, यानी तुलनात्मक मनोविज्ञान। फोर्थ ब्रांच नेम इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। द नेम ऑफ द फिफ्थ ब्रांच इज सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान। सिक्स्थ ब्रांच इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी औद्योगिक मनोविज्ञान। सेवन्थ ब्रांच नेम इज चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में कहते हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रांच है एडोलसेंट साइकोलॉजी, यानी किशोर मनोविज्ञान, एट ब्रांच है ये। नाइन्थ ब्रांच का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। टेंथ ब्रांच का नेम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देन नेक्स्ट ब्रांच इज निदानात्मक मनोविज्ञान, यानी डायग्नोस्टिक साइकोलॉजी, और इसको अपन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ट्वेल्थ ब्रांच का नाम है एनिमल साइकोलॉजी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पशु मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट ब्रांच इज ओल्ड एज साइकोलॉजी, जिसको अपन जेरो साइकोलॉजी भी बोलते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं पॉड मनोविज्ञान कहते हैं। देन लास्ट ब्रांच का नाम है पैरा साइकोलॉजी, जो कि एक लेटेस्ट ब्रांच है साइकोलॉजी की, इसको अपन हिंदी में परा मनोविज्ञान भी कहते हैं। देन इसको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये ब्रांचेस क्या किसको डील करती है, और इस ब्रांचेस में किसकी स्टडी किया जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ओके। देन फर्स्ट ब्रांच इज जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी मीन्स दिस ब्रांच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ द फंडामेंटल रूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग। एक्सप्लेन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक सेंसेशंस, परसेप्शंस, इमोशंस, लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। इस ब्रांच के अंदर हम बहुत सारी प्रिंसिपल्स, बहुत सारे थ्योरीज या फंडामेंटल रूल जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लर्निंग कैसी होती है ह्यूमन बींग के अंदर, उनकी इमोशंस के बारे में कैसे होते हैं, सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, सबकी सेंसेशन एबिलिटी, सबकी इंटेलिजेंस कितनी होती, सबकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उन सब की स्टडी हम जनरल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य मनोविज्ञान, यानी यह शाखा सामान्य वयस्क मानव के व्यवहार के अध्ययन के संबंध में मनोविज्ञान के मूलभूत नियम के सिद्धांतों और सिद्धांतों से संबंधित जो भी विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे संवेदनाओं, धारणाओं, भावनाओं, सीखने की क्रिया है, बुद्धिमत्ता है, व्यक्तित्व है आदि की व्याख्या करती है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, सामान्य मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, यानी जनरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट ब्रांच इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं असामान्य मनोविज्ञान, जिसको कहते हैं। टुडे द लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, आज जीवन कैसा है, जटिल है। द इंडिविजुअल इज़ फेसिंग ए लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एक्सपीरियंसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर्स इन हिज लाइफ आर लीडिंग टू ए साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, देयर सिम्टम्स एंड कॉजेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, क्या है वो, क्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की का सामना कर रहा है। अभी आप देख लो बिजनेसमैन है, वो भी कॉम्पिटिशन से करते हैं एक दूसरे से, आज हर कोई पर्सन है एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो उस कारण से जब वो कंपटीशन फील करता है और उस कंपटीशन के अंदर वो जब टिक नहीं पाता है, फेल हो जाता है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से उसके नेचर में चेंज आता है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, यानी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, घर में वो
सबसे झगड़ा करता है, आपस में झगड़ा करता है, किसी से उसकी बनती नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये डील करती है उस पर्सन के मेंटल डिसऑर्डर में, मतलब किस कारण से, क्या फ्रस्ट्रेशन से उसकी मानसिक अवस्था है वो बिगड़ रही है, उसमें सिम्टम्स क्या क्या है और उसके कारण कौन कौन से होते हैं, वो हम सभी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसको अपन हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। व्यक्ति बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और निराशा और संघर्षों का सामना कर रहा है। जीवन में लगातार दबाव मनोवैज्ञानिक असमानताएं पैदा कर रहा है। असामान्य मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों, उनके लक्षण और कारणों से संबंधित है। तो हम सभी चीज़ें जो है, इन सभी चीज़ें हम अध्ययन कर किस में करते हैं, असामान्य मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। देन नेक्स्ट ब्रांच इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्विंग द स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ डाइवर्स एनिमल स्पीशीज़। इसमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है किसके बीच में, जितनी भी डाइवर्स एनिमल स्पीशीज़ है उसके बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उसकी स्टडी करते हैं अपन, ऑफन अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। उनको के अंदर क्या होता है कि उनका कंपैरिजन हम उनको एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसका फिर हम कंपैरिजन स्टडी करते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्कवर जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यानी उसके बिहेवियर को जानने के लिए हम उस पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसको हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देन इसको हिंदी में अपन पढ़ते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। ये क्या होता है, मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमें व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों की खोज करने के लिए अक्सर नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोगों के तहत विविध ही जानवरों की प्रजातियों के व्यवहार की तुलना और अध्ययन इसमें शामिल होता है। तो ये कहलाता है अपना तुलनात्मक मनोविज्ञान। देन नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वर्क टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बिहेवियर बाय स्टडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है ना। ह्यूमंस और एनिमल्स के जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एनिमल्स की और ह्यूमंस की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। दे वर्क मेनली इन ए लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरिंग हाउ डिफरेंट स्पीसीज इंटर रिलेट, कि अलग अलग तरह तरह के डिफरेंट स्पीशीज़ होती है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है, इंटर कनेक्टेड होती है, एंड इन्वेस्टिगेटिंग द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ए सर्टन बिहेवियर्स। और हम उसके जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ए बिहेवियर स्टडी करते हैं कि किस तरह से उस स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होता है, किस तरह से उस स्पीशीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, किस तरह से एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से अलग है, बिहेवियर कैसा है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान बोलते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान मानव और जानवरों का अध्ययन करके व्यवहार के अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए काम करते हैं, मतलब उनके व्यवहार में क्या चीज़ है, क्या क्या उनके कारण हैं, उनको समझने का काम करते हैं। वे मुख्य रूप से एक प्रयोगशाला वातावरण में काम करते हैं, यह खोज करते हैं कि विभिन्न प्रजातियां कुछ व्यवहारों के विकास संबंधी महत्व को कैसे परस्पर जोड़ती है और जांचती है, ठीक है ना। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। देन हमारी नेक्स्ट जो है ब्रांच का नाम है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होती है, इट फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए कम्युनिटी एनवायरमेंट। कम्युनिटी साइकोलॉजी एक्सप्लोर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरडिपेंडेंस, एडप्टेशन, डिप्लोमेसी, एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड सो ऑन। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ए क्रिटिकल साइकोलॉजी, इसको हम क्रिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो जो सोशल साइकोलॉजी होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है, वो इंडिविजुअल पे फोकस करती है जो एनवायरमेंट में कम्युनिटी में रहते हैं, और वो ये उनके बहुत सारे तरह तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे इंटरडिपेंडेंस,
सोसाइटी पे हम कितने निर्भर करते हैं, एडेप्टेशन हमने अपनी सोसाइटी में अपने आप को एडोप्ट किया है या नहीं किया है, हम कितने डिप्लोमेटिक हैं, हमें एम्पावरमेंट कितनी है, जैसे अपन वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं ना, जैसे वुमेन हर फील्ड में है तो हम सोशली कितने एम्पावरमेंट है, हम कौन कौन सी फील्ड में अपना अच्छा अपना 100% दे सकते हैं, सोशल जस्टिस कितना है, ये सभी हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। देन सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक मनोविज्ञान में क्या होता है, सामुदायिक वातावरण के भीतर व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान अन्योन्याश्रय अनुकूलन कूटनीति सशक्तिकरण सामाजिक न्याय और इसी तरह की विशेषताओं की पड़ताल करता है। इसे आलोचनात्मक मनोविज्ञान के रूप से भी जाना जाता है। ये इसका क्रिटिकल साइकोलॉजी या फिर आलोचनात्मक मनोविज्ञान इसका दूसरा नाम है, सोशल साइकोलॉजी का हो या फिर क्रिटिकल साइकोलॉजी, ये दोनों एक ही है। देन अपन नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एड्रेसेस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द वर्क प्लेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। यानी इंडस्ट्री में जो भी वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, उसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को अपन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज। वो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कंपनी द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं कंपनी वाले टू एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट विच मेजर्स एम्प्लॉय एटीट्यूड। और वो क्यों करते हैं, ताकि जो है ये क्या करते हैं, ये एम्प्लॉय के जो है मेजर करते हैं उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी है इन हायरिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, जो भी प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है उसके अंदर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्किल्स कितनी है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, ये सभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके थ्रू ये काम किए जाते हैं। इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे हम औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान की यह शाखा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से कार्यस्थल में व्यवहारिक समस्याओं को संबोधित करती है। ठीक है ना, जो कार्यस्थल में जो है व्यवहारिक समस्या यानी व्यवहार से उत्पन्न होने वाली समस्या को संबोधित करती है। औद्योगिक मनोविज्ञान जिन्हें संगठनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, कंपनियों द्वारा उन परीक्षणों का संचालित करने के लिए नियोजित किया जाता है जो कर्मचारियों को काम पर रखने और नियुक्ति कार्यक्रमों में कौशल या कौशल को मापते हैं। ठीक है ना, यानी स्किल्स का मापन जो करते हैं या फिर एप्टीट्यूड का मापन कौन करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या है, चाइल्डहुड एक्सटेंड फ्रॉम 2 to 12 years, 2 to 12 साल तक का होता है चाइल्डहुड पीरियड। दिस इज़ ए क्रूशियल पीरियड इन द लाइफ, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है किसी भी चाइल्ड की लाइफ में। फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर होता है वो हमारे चाइल्डहुड पे ही डिपेंड होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी रैपिड ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन बाल मनोविज्ञान, जो कि 2 to 12 साल तक रहता है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवधि है। भविष्य का जीवन बचपन के दौरान विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, हमें बताइए कि हमारा किस तरह से विकास हुआ है, तो हमारा भविष्य का जीवन भी उसी के ऊपर निर्भर करता है। इस चरण के दौरान विकास और विकास तेजी से होगा, बाल मनोविज्ञान इन पहलुओं से संबंधित रखता है। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांच थी चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे हम एडोलसेंट साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान। ठीक है ना, किशोर मनोविज्ञान क्या बोलता है, एडोलसेंट साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डेट फोकसेज ऑन द इश्यूज डेट आर यूनिक टू एडोलसेंट। ठीक है ना, ये उन इश्यू पर फोकस करता है जो कि यूनिक होते हैं एडोलसेंट के लिए। एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ फ्लक्चुएटिंग एंड रैपिडली चेंजिंग इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। इसमें क्या होती है, ऐसा पीरियड होता है जिसमें अपनी जो इच्छाएँ होती है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो रैपिडली क्या होता है, चेंज होते रहता है। हमारी एनर्जी कैसी होती है, हाई एनर्जी होती है, हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, फिजिकली ग्रोथ हमारी होती रहती है,
एंड लिमिटेड इमोशनल इंसाइट, ठीक है ना, हमारे जो इमोशनल इंसाइट भी कैसा होता है, लिमिटेड होता है। दिस क्रिएट्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर मैनी इमोशनल प्रॉब्लम, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं डैट माइट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोफेशनल इंटरवेंशन। रिसर्च एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन द फील्ड इंक्लूड एडल्ट डेवलपमेंट, बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस, ठीक है ना, प्यूबर्टी, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, फिजिकल में हमारे अंदर क्या चेंजेस है, कॉग्निटिव यानी इंटेलिजेंस लेवल पे हमारी सोचने की क्षमता, हमारी नॉलेज है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारी प्यूबर्टी क्या हो रही है, हमारा जेंडर और सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हमारी इमोशंस कैसी हो रही है, उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सभी हम एडोलेसेंट साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। देन हिंदी में इसको बोलते हैं किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान का क्षेत्र जो उन मुद्दों पर केंद्रित है जो किशोरों के लिए अद्वितीय है। किशोर अवस्था उतार चढ़ाव और तेजी से बदलती रुचियों और इच्छाओं, उच्च ऊर्जा, यौन परिपक्वता, शारीरिक विकास, लंबी भावनात्मक अंतर्दृष्टि का समय है। इस क्षेत्र में रुचि के अनुसंधान क्षेत्र में किशोर विकास, शारीरिक संज्ञात्मक परिवर्तन दोनों, यौवन लिंग, यौन विकास और किशोरों की भावनाएं शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी थी एडोलेसेंट साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट ब्रांच इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन लाइफ पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। जो ह्यूमन की लाइफ होती है वो बहुत सारे स्टेजेस से पास होती है, कंसेप्शन यानी कैसे है कि हमारी गर्भावस्था से ओल्ड एज, जब तक हम कहते हैं मृत्यु तक, है ना, कंसेप्शन पीरियड से लेके हमारी डेथ स्टेज यानी ओल्ड स्टेज, हम जब तक बूढ़े नहीं हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं हो जाते हैं, तब तक वो स्टेजेस चलती रहती है। दिस ब्रांच एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वेरियस प्रोसेसेस इन रिलेशन टू बिहेवियर। ये ब्रांच डील करती है कि किस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में हो रहे हैं, इन सभी की स्टडी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं विकासमूलक मनोविज्ञान कह दो या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। मानव जीवन गर्भधारण से बुढ़ापे तक के विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, ये तो हम सभी गुजरते हैं। ये शाखा व्यवहार के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं की वृद्धि और विकास की व्याख्या करती है। मतलब जन्म से गर्भधारण से बुढ़ापे तक के क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या हमारी प्रक्रिया आ रही है, वो सभी हम इस साइकोलॉजी की ब्रांच है जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ब्रांच है उसके अंदर हम ये सभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी ब्रांचेज होगी साइकोलॉजी की। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट बाकी सारी ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसको लाइक कीजिएगा और प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम एंड इफ़ एनी क्योरी यू हैव एनी क्योरी हमें कमेंट बॉक्स में, मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर इसकी PDF फाइल भी डाल दूंगी ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह की नोट्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस ब्रांच को क्या कहते हैं या फिर पूरा डिस्क्रिप्शन लेके एक ब्रांच का नाम पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।